नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। शिक्षक ज्ञान देने के साथ साथ समाज को नई दिशा भी देते हैं। अमूमन ये वर्ग शांति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता आया है, पर जब इनके साथ ही अन्याय होता है तो ये भी अलग रूप लेकर संघर्ष पर उतारू हो जाते हैं। संघर्ष के इसी कड़ी में माध्यमिक शिक्षक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ के खिलाफ मनमानी का आरोप लगाया गया है। माध्यमिक शिक्षक संघ का कहना है कि दिव्यांग जन बच्चों के विद्यालय मोहन रोड लखनऊ में नियमों के विरुद्ध सरकारी सहायता प्राप्त अध्यापकों का चयन कर नियमावली की खुली आम उपेक्षा की गई है, जबकि इसमें उनको राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को संबद्ध करना चाहिए था। इस विरोध के लिए आज माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा, अगर आदेश निरस्त नहीं होता तो हम संघर्ष के लिए मजबूर होंगे। दिनांक 6 जुलाई 2024 को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय लखनऊ द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 12 शिक्षकों का संबंधीकरण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विद्यालय मोहन रोड पर किया गया है, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में दिए गए प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है। संगठन हर स्तर पर इसका विरोध करेगा, क्योंकि ये जो आदेश निर्गत किया गया है उसमें सबसे पहले तो जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ को अपने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से जहां पर भी सरप्लस शिक्षक हैं उनको संबद्ध करना चाहिए, जिससे कि उन दिव्यांग जनों का जो शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है वो बच्चे भी शिक्षित हो सकें। यदि उन्होंने नियमों के विपरीत जा कर के, जो अधिनियमित व्यवस्था है उसके विपरीत जा कर के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का जो संबद्धीकरण किया गया है, संगठन उसका हर स्तर पर विरोध करेगा। मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक बार जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ को आगाह करना चाहता हूँ कि समय रहते यदि ये संबंधीकरण आदेश निरस्त नहीं किया गया तो संगठन जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का घेराव करने के लिए बाध्य होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ की होगी। इसी के साथ में ये भी अवगत कराना चाहूँगा इन विभागीय अधिकारियों को कि एक तरफ आप विद्यालयों के शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में, दिव्यांगजन विद्यालयों में आप संबंधीकरण कर रहे हैं, दूसरी ओर उन्हीं विद्यालयों में आप स्थानांतरण भी कर रहे हैं। तो छात्र संख्या का जो आधार बनाया गया है, यदि छात्र संख्या नहीं थी तो फिर आपने उन विद्यालयों में स्थानांतरण क्यों प्रस्तावित किए? स्थानांतरण किया और स्थानांतरण करने के पश्चात उन्हीं शिक्षकों का उत्पीड़न और शोषण होने लगेगा, ये संगठन कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। और आगामी समय में इसके लिए जिस सीमा तक जाना पड़ेगा संगठन जाएगा। यहाँ से अगर कोई निरस्तीकरण नहीं होता है आपके स्तर से तो संगठन सबसे पहले मंडल के सर्वोच्च शिक्षा अधिकारी संयुक्त शिक्षा निदेशक श्री प्रदीप कुमार सिंह जी से मिलेगा, उसके पश्चात प्रदेश के मुखिया शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र जो जिसे भी उनके कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत करेगा कि ये जो अवैधानिक रूप से माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का संबंधीकरण किया गया है इसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। उसके पश्चात भी यदि इसमें विलंब होता है और ये बाध्य किया जाता है कि
कि हम प्रधानाचार्यों के ऊपर दबाव बना करके संबंधित शिक्षकों को कार्यमुक्त करेंगे और उनको बाध्य करेंगे तो फिर संगठन महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा जी के पास में इस प्रकरण को ले जाने में कदापि संकोच नहीं करेगा। और इन स्तरों पर यदि किसी विषम स्थिति परिस्थिति क्रिएट होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक की होगी। आज के इस जिला कार्यकारिणी के सदस्य हमारी बहन अंजना वर्मा जी, एके सरोज जी, पीड़ित अध्यापक सुनील कुमार भारती जी, अवनीश निगम जी, सत्येश कुमार जी ने अपनी सहभागिता दी और आगामी समय में, क्योंकि ये अल्प समय में ये सूचना प्रेषित की गई थी, हम लोग कार्यकारिणी की अभी बैठक करेंगे एक घंटे के पश्चात में, जो भी आगामी निर्णय लिए जाएंगे उससे विभाग को, प्रधानाचार्यों को, सभी को अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय शिक्षक संघ। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।